1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सैनिकों की विजय गाथाओं को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में याद किया गया। इस दिन को विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हुए देपालपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अनूठा आयोजन हुआ। विजय दिवस मनाते हुए 1971 में युद्ध को विजय दिलाने वाले को याद करते हुए व शहीद हुए सैनिकों को याद कर भारत माता के चित्र पर कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। वहीं विगत दिनों चापर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगोली से भारत माता का नक्शा बनाकर तथा आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में मतदान करने के लिए गांव में जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ भी ली। वहीं पूर्व सेना नायक विमल फौजी ने निशुल्क कैंडल चेकअप शिविर का भी आयोजन कराया, जहां सभी छात्राओं को कैंडल चेकअप कर उन्हें पेस्ट व दवाई भी निशुल्क दी गई। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। इस जंग में इस भारत भूमि के कई भाई एन वक्त जो कि हम शायद कराची से 21 किलोमीटर दूर थे, वहाँ के हवाई अड्डे पे कब्जा करने के लिए बात कर 2 दिसंबर के दिन विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कन्याशाला में एक आयोजन हुआ था जिसमें हमने देश के शहीदों को याद किया। देश के सैनिक अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो एज ए डॉक्टर मैंने एक फ्री डेंटल चेकअप आयोजित किया था, जो यहाँ के समाज की बालिकाएं हैं उनको फ्री चेकअप किया, उनको बताया कैसे क्या करना है, कैसे अपने मुंह माउथ को क्लीन करना है। और मेरी एक ये पहल थी अपने छोटे से डेंटिस्ट्री के द्वारा कि मैं समाज की कुछ मदद कर सकूं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का और सभी उपस्थित CMO साहब का। और आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शांतनु पराशर है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देपालपुर में शहीद विजय दिवस के उपलक्ष्य में 1971 में जो पाकिस्तानी सेना ने हमारे ऊपर भारतीयों पर बांग्लादेश पर हमला किया था, तो बांग्लादेश को विजय प्राप्त कराने के लिए भारतीय सैनिकों ने जी तोड़कर मेहनत की और बहुत लड़ाई की, और जाबाज सैनिकों ने आखिरी में 13 दिन के कठिन संघर्ष के उपरांत विजय हासिल की। पाकिस्तानी के 93,000 सैनिकों को मात दी, उन्हें वहाँ पर गिरा दिया, और उन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। इसके बाद हमारे बहुत CMO देपालपुर यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, कुछ आपको प्राप्त करना है तो किसी भी तरह वो आगे बढ़ सकता है। भारतीय सैनिक किस तरीके से हर मौसम में डटे रहते हैं, ये प्रेरणा दी और उनसे कहा कि उनसे सीख कर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को ये प्रेरणा दी गई कि अभी हमारा जो त्रिस्तरीय मतदान होने वाला है, उस मतदान के लिए किस तरीके से गाँव में जाकर वो प्रेरणा मतदान के लिए लोगों को जागरूक करें, और खुद भी जो 18 साल के हो गए हैं वो वोट दें, और अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में और आसपास के छोटे गांवों में भी जाकर इस बात के लिए बच्चों को बोला गया कि प्रेरणा दी गई कि वो जाकर मतदान के लिए जागरूक करें, क्योंकि एक अच्छा नेता अगर हमारे देश में होगा तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसके साथ ही जिसमें कई बच्चों का डेंटल चेकअप किया गया, निःशुल्क डेंटल चेकअप किया गया, और इन सबके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हैं हमारे विमल सर के। जो विजय दिवस के अवसर पर आज हमारे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देपालपुर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1971 के युद्ध के बारे में बताया गया है और हमारे भारत ने जो विजय प्राप्त करी है उसमें जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है और उनको शस्त्र नमन है। और आज इसी अवसर पर यहाँ पर अधिकारी वगैरह आए हैं और डेंटल्स का अब चेकअप के लिए कैंप लगाया है, जिसमें हमारे स्कूल की बालिकाओं ने डेंटल्स चेकअप किया है, निशुल्क डेंटल चेकअप है। और यही विजय दिवस के अवसर पर हमने बहुत कुछ प्रेरणादायक चीज़ें सीखी हैं, अधिकारी शिक्षकगण वगैरह सब ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले और हमारे दिलों में कुछ भावना पैदा हो और हम भी आगे इस फील्ड में जाए। उसमें मत तो सबका अधिकार है, वोट तो सभी को देना चाहिए, और 18 साल के जो हो चुके हैं उनको भी वोट देना अपना अधिकार बनता है। और जो चुनाव के लिए सभी को जागरूक, मतलब वोट देने के लिए सभी को जागरूक करो, जो 18 साल का उस 18 साल के बाद वालों को भी देना है, और जो लोग अपने चुनाव का जो अपने वोट का अधिकार नहीं कर पाते उनका वो बनता है
अधिकार बनता है कि वो अपने मत का उपयोग करें और अपने वोट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आपका नाम? मेरा नाम अलीना मंसूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।